Hello friends, welcome back to the channel Susin Blogs. This is Suraj. Actually this video is again about my driver. Abhi driver ko maine iski jo first servicing hai wo ho chuki hai and uske baad ye gaadi kaisa perform kar rahi hai, kya kar rahi hai, just iske bare mein thodi bahut information thi. So I thought ki I should share this with you so that aap logon ko bhi kuch samajh mein aayi cheeze aur kuch mujhe bhi ideas mil paaye aapki taraf se. So without wasting any time, let's start the video and dekhte hain. As you can see, my driver jo hai wo 2561 kilometer ka run complete kar chuki hai abhi tak. And ye jo 2561 kilometer hai ye matlab 561 kilometer jo hai wo after first servicing ye gaadi chali hai. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, गाड़ी 2561 किलोमीटर का रन दिखा रही है और 2000 पे इसकी पहली सर्विसिंग हुई थी. सो 561 किलोमीटर ये गाड़ी सर्विसिंग के बाद चल चुकी है. फर्स्ट सर्विसिंग के बाद कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं जैसा कि मैंने फील किया है पर्सनली. रीज़न बीइंग कि फर्स्ट सर्विसिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती भी नहीं हैं. इसमें मेनली गाड़ी को चेक किया जाता है क्या है नहीं है, उसकी चार्जिंग वगैरह देखी जाती है बैटरी की, और मेजरली गाड़ी की धुलाई अच्छे से हो जाती है, सफाई अच्छे से हो जाती है, वो एक अच्छी चीज़ हो जाती है. और ऑब्वियसली चेकअप होना भी ज़रूरी है क्योंकि जब गाड़ी स्टोर से बाहर आती है उसके बाद से आप इसको ड्राइव करते हो और ड्राइव करने के बाद करीब करीब 2 महीना या 2000 किलोमीटर के बाद गाड़ी को एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. बेसिकली आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ 2561 किलोमीटर्स जो गाड़ी का माइलेज दिख रहा है वो काफ़ी कम दिख रहा है. 10.8 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से ये गाड़ी चल रही है. आई रियली डोंट नो कि प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है, मेरी ड्राइविंग स्किल्स का इशू है या कोई और इशू है, आई डोंट नो. बिकॉज जो दूसरे जो इसी गाड़ी के जो दूसरे कस्टमर्स हैं उनका उनसे मेरी बात भी हुई है जब मैं सर्विस सेंटर में था. उसके अलावा कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पे कमेंट्स भी किए हैं तो उनके हिसाब से ये गाड़ी अच्छा खासा माइलेज दे रही है उनको. आई डोंट नो मेरी गाड़ी के साथ क्या प्रॉब्लम है या मेरी ड्राइविंग का प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता. कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि आपकी जो ड्राइविंग इको जो होता है वो आपका यदि 96 है तो इट शुड गिव यू गुड माइलेज. इनफैक्ट मेरा तो अभी फ़िलहाल 97 दिख रहा है. सो आई डोंट नो प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है या कुछ इशू तो है फॉर श्योर. क्या इशू है मुझे नहीं पता है. खैर मैं अभी इस गाड़ी को लेके एक बार शायद फिर से एक लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाला हूँ तो होपफुली उस समय कुछ चेंजेज आए इसके माइलेज वगैरह में. सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और काम का लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मैं आपको फिर से अपडेट दूंगा जब एक और लॉन्ग ड्राइव मार के आता हूँ इस गाड़ी से एंड देन देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट आती है या क्या चेंजेस आते हैं. सो लेट्स सी एंड होप कि जो माइलेज है या जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा और अच्छा निकल गया है इस गाड़ी से. सो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय.